भागलपुर व नवगछिया में गंगा और कोसी दोनों मिलकर तबाही मचाती है और निचला इलाका त्राहिमाम हो जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवगछिया के मदरौनी गांव में और आप यहाँ की स्थिति को देख रहे होंगे कि किस तरीके से ग्रामीण रहने को मजबूर हो रहे हैं। हर एक घरों में आपको कमर भर पानी नजर आएगा। जहाँ पर हम खड़े हैं वो मुख्य सड़क है और यहाँ पर स्थिति यह है कि नाव से आवागमन करना पड़ता है। जो लोग नहीं जा पाते हैं उन्हें नाव यानी मुख्य सड़क पर नाव चल रही है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कब से ये स्थिति बनी हुई है और अब क्या लग रहा है, कब से ये स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति आज डेढ़ महीना से बना हुआ है। अगस्त से ही ऐसा हो रहा है। अगस्त से ही ये स्थिति। हाँ, अगस्त से आज तक ये स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है अब स्थिति सुधरेगी? अब ऊपर यदि कमेगा तभी सुधरेगा। अच्छा, पानी घट रहा था? नहीं, अभी पानी घट नहीं रहा, अब पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है। कब से बढ़ना स्टार्ट हो गया? आज क्या दिन से? अच्छा, कैसे 3 माह से कैसे रह रहे हैं यहाँ पर? किसी तरह से कष्ट से रह रहे हैं। कष्ट से रह रहे हैं। हाँ। खाना पीना कैसे होता है? किसी तरह हो रहा है। मतलब बहुत ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा कष्ट। कहाँ से आ रहे थे? मदरौनी चौक पर से आ रहे थे। मदरौनी चौक से जी। जी, कितना पानी होता है मुख्य सड़क पे? छाती भर होता है पानी। घर जाने में छाती भर पानी? छाती होता है। हाँ, छाती से भर होता है। अच्छा, महिलाएं कैसे यहाँ पे सफर करती हैं? महिला भी हेल्प के जाती है। महिला भी वही है अपना भर। कोई बीमार पड़ जाए अचानक से तब कैसे जाइएगा? वो सिचुएशन में जाना पड़ेगा। मतलब मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। ये इस गली में कितना पानी होगा? इस गली में इस जगह रहता है हेलो पानी हो जाता है यहाँ पर। इधर देखिए, इस गली में इतना पानी होता है। अभी घटा हुआ है पानी, अभी कुछ कम है। जब से बढ़ जाएगा ज्यादा तो उतना ही हो जाएगा फिर पानी। इस जगह हेलाव पानी होता। अच्छा, यहाँ लगभग कितना घर प्रभावित होता होगा इससे? इस जगह में तो अभी कम से कम 350 घर है हम लोग अभी पानी में। 350 होगा यहाँ से वहाँ तक, बीच पानी में है। ना अभी जो है मेरे सामने में 3 नंबर वार्ड में अभी जो इतना पानी प्रभावित है, इसमें पानी सबके घर में होगा। चाचा, कैसे रहना होता है यहाँ पे? चाचा आगे आ जाइए, आपको आगे बुलाना चाहेंगे, आप आगे आ जाइए। कैसे रहना होता है यहाँ पे? बस सही सही समय काट रहे हैं, क्या करेंगे, मजबूरी है। आपका घर कौन? यही है? हाँ, यही है। कितना पानी है घर में? पानी घर में है लगभग, रखिए कि 2-2.5 फुट पानी है रूम में। रूम में? रूम में। तो कहाँ रह रहे हैं अभी? छत पे। छत पे कैसे? पन्नी डाल के? हाँ, पन्नी डाल के। अच्छा, कितना दिन तक ये जो नजारा है कितना दिन तक देखने को मिलता है आप लोगों को? हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मतलब अगले बार तो 1.5 से 2 महीना तक में हम लोग क्लियर हो जाते थे, लेकिन अब की बार जो है हम लोग को ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं। अच्छा, कितना पानी अभी बढ़ गया है? पानी अभी रखिए कि लगभग 2 फुट पानी बढ़ा है। 2 फुट। अच्छा, पहले क्या आसार था, कब तक पानी निकल जाता? पहले जो था दुर्गा पूजा से पहले पानी निकल जाता था। अब क्या लग रहा है? अब तो दीपावली भी पार करेगा तो अब क्या है, मतलब इसी पानी में दीपावली, इसी पानी में ही मनाना पड़ेगा। हाँ। क्या बोल रहे हैं चाची, कहाँ जा रहे हैं आप? आ जाइए, आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। कहाँ जा रहे हैं? चौक पर जाए, गाय माल खिलावे। गाय माल को कहाँ रखे हुए हैं? वही चौक पर। क्या बोल रहे हैं, कैसे जिंदगी कैसे कटती है? ऐसे बिहान जाए छे, रोज आवे छे। कितना पानी होता है आने जाने? पानी भरी छाती हुआ, इसलिए नहीं जा रही है, टपिक आ रही है। अच्छा, फिर से पानी बढ़ने लगा? हाँ। तो अब कितना मुश्किल होगा? अनेक जा छी, अनेक आवे छी। कोई मुआवजा मिला आप लोगों को? कुछ ना, अभी नहीं मिल रहा। अच्छा, अब क्या लगता है कब तक पानी आप लोग के घर से निकल जाएगा? गिरी वाला धपा राम घर से नहीं पानी से। मतलब फिर लगता है कि अब दुर्गा पूजा तक पानी निकल जाएगा? अब निकलते है कि नहीं है, निकलते कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। तो कहाँ से निकला पानी? नहीं निकला। मतलब हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। तो ये है मदरौनी गांव और आप ये तस्वीर देख रहे थे कि किस तरीके से आपको मैंने ये मुख्य सड़क है, किस तरीके से लोग अपना आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि कई जरूरी काम से लोग घर से निकलते हैं। यहाँ पर नाव तक की व्यवस्था रखी गई है, नाव से मुख्य सड़क से जो महिलाएं या जो बुजुर्ग नहीं जा पाते हैं उन्हें पहुंचाया जा रहा है। स्थिति
बेकाबू होती नजर आ रही है और ग्रामीण कह रहे हैं कि हो ना हो दीपावली तक घर से पानी नहीं निकलेगा और इसी पानी में दीपावली व छठ भी मनाना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार फिर से एक बार कोसी के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। नेपाल के कोसी बराज से जब पानी छोड़ा गया फिर से जलस्तर में वृद्धि होने लगी और महज 48 घंटे के भीतर में 2 फुट से अधिक पानी में बढ़ोतरी हो गई और जो घर से पानी निकल गया था पुनः उस घर में पानी प्रवेश कर गया, यहाँ तक कि चूल्हा तक पानी में चला गया और लोग खाने तक को मजबूर हो रहे हैं। लोगों का जीवन यापन पन्नी के सहारे हो रहा है। अब देखना यह होगा कि कब तक इन लोगों का पानी निकल पाता है या सरकार इन लोगों तक कुछ मदद पहुंचाती है। भागलपुर से लोकल 18 के लिए सत्यम कुमार।